Hello friends, a warm welcome to my channel. Well friends, if you have not subscribed yet, please don't forget to subscribe to my channel and keep supporting as you have always done. Well दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो ऐसी कंपनी के बारे में जो बेसिकली श्रिम्प्स पे बिजनेस करती है. तो आपको पता ही होगा कौन सी दो बड़ी कंपनियां हैं. आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड ऑफ दीज नेम्स. जो जो पहली कंपनी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एपेक्स फ्रोजन, और जो दूसरी कंपनी है वो है अवंती फीड्स. आप देख सकते हैं यहाँ एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड्स, इन दोनों कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ. तो दोस्तों, पहले हम वीडियो में बढ़े, सबसे पहले छोटा सा एक बेसिक डिफरेंस है जिसको मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग ये सोचते हैं कि जो एपेक्स है और या फिर अवंती है वो सी फूड या फिर प्रॉन्स पे बिजनेस करती है, जिसको हम हिंदी में झींगा भी बोलते हैं. सो इट्स नॉट एक्चुअली प्रॉन्स बट श्रिम्प. सो श्रिम्प एंड प्रॉन बायोलॉजिकली एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अगेन थोड़ा सा बेसिक उसमें डिफरेंस है. अगर आप देखो, मैंने यहाँ पे आपके लिए फोटो भी लगा दिया है. तो श्रिम्प हैव क्लॉज ऑन टू ऑफ देयर फाइव पेयर ऑफ लेग्स. तो उनके जो पांच पाँव हैं उनमें से दो में उनके क्लॉज है, करेक्ट. और जो प्रॉन है उनके भी वही सेम पांच पेयर ऑफ लेग्स है, लेकिन उनके जो क्लॉज है वो तीन में है. सो दो तीन, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. मुझे लगा जस्ट आपको क्लियर कर दूं. तो ये जो दो कंपनियां हैं एपेक्स फ्रोजन और अवंती फीड, ये दोनों कंपनी बेसिकली आपके श्रिम्प में बिजनेस करती है, नॉट प्रॉन्स, राइट. तो और उसके अलावा हमारे इंडिया में काफी कंपनी है जो इसमें काम करती है, बट सारी कंपनी तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है. तो कुछ और कंपनी जैसा आपने अगर नाम सुना हो, जैसे कि वाटर बेस, कोस्टल कॉर्प, जील एक्वा, ये तीन कंपनी और है जो आपके श्रिम्प या फिर आप बोल सकते हो सी फूड या फिर मेरिन लाइफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं. वो उसका मेडिसिन भी बनाते हैं, उसका खाना भी बनाते हैं, उसका फ्रोजन प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे मैन्युफैक्चर, बट मोस्टली इज द बिजनेस दैट दे डू इज इन श्रिम्प. ओके, सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू डिस्कसिंग सम बेसिक फंडामेंटल्स बिटवीन दोज टू कंपनीज. सबसे पहले हम बात करते हैं एपेक्स फ्रोजन की. तो दोस्तों, यहाँ मैंने 5 साल का एपेक्स फ्रोजन का फंडामेंटल्स के लिए मैंने उसका एनुअल बैलेंस शीट ओपन किया है. तो आप देख सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2015 द प्राइस हैज ऑलवेज इंक्रीज, राइट. 600 crore, 603, 700,000 एंड 874, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिप, बट अगेन आप देख सकते हो देर इज ए कॉन्स्टेंट मूव, करेक्ट. अगर हम उस पर इंटरेस्ट देखें, जो इंटरेस्ट इज समथिंग दैट दे आर पेइंग, सो इंटरेस्ट जितना कम हो उतना अच्छा है. तो इट्स लाइक 10 crore, 10 crore, 11 crore, 8 crore, 6 crore. सो इंटरेस्ट इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, विच इज गुड. ये उनका टैक्स है जो उन्होंने दिया है, बिकॉज आपका जितना अर्निंग ज्यादा होगा उतना आपका टैक्स भी ज्यादा होगा, करेक्ट. बट दिस इज वॉट द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज, आपका जो नेट प्रॉफिट है. सो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हो, इट्स 18 crore, 19 crore, 25, 80, 60. बिकॉज लास्ट ईयर में 2019 में थोड़ा बहुत डिप आया. आई एम श्योर 2020 में दिस फिगर्स इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज 2020 में इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट नजर आएगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन. रेस्टोरेंट्स बंद है, मॉल बंद है, लाइक आपका जो भी किराना दुकान, एवरीथिंग शॉप्स आर क्लोज जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं. तो इनका थोड़ा सा डेफिनेटली सेल्स पे डिप तो आएगा ही. तो अगर हम इसके डिविडेंड के बारे में देखें, बिकॉज हम यहाँ पे फंडामेंटल डिस्कस करें, फंडामेंटल डिविडेंड के बिना तो हो ही नहीं सकता है. सो इफ यू लुक इनटू द डिविडेंड, यू विल सी दैट देयर इज अ कांस्टेंट डिविडेंड ऑफ 20% जो इस कंपनी ने हर साल आपको दिया है. सो एवरी ईयर देयर इज अ डिविडेंड ऑफ 20% दिस कंपनी हैज गिवन. अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच एक्चुअली शोज दैट जो कंपनी के प्रोमोटर है उनका कंपनी पे कितना ज्यादा ट्रस्ट है. आप देख सकते हो जो प्रोमोटर होल्डिंग है इट हैज बीन कांस्टेंट, इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा भी है, 49 से 60 से 62, थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ भी नजर आया, बट अगेन प्रोमोटर होल्डिंग इज लाइक ऑलमोस्ट 72-73%, विच इज वेरी गुड. यही सेम चीज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अवंती फीड के बारे में. अवंती फीड में अगर हम देखें तो एज एपेक्स अवंती फीड अगर आप देखें उसका थोड़ा सा सेल्स वॉल्यूम है दैट एक्चुअली शोज अ बिट मोर. तो यहाँ पे 1700, 2000, 2300, 2800, 2700, ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेजेक्ट्री इसका ज्यादा आया है डेफिनेटली, बिकॉज द मार्केट कैपिटल ऑफ अवंती फीड्स इज हाई. अवंती फीड्स एपेक्स फ्रोजन से पुरानी कंपनी है, काफी टाइम से ट्रेड करती है, दे हैव इंटरनेशनल प्रेजेंस एज वेल, दैट्स व्हाई आप देख सकते हो उसका मार्केट कैप भी ज्यादा है, करेक्ट. इंटरेस्ट भी वैसा ही है, अगर आप देखो इंटरेस्ट इज वेरी गुड, दिस इज अ पॉजिटिव फैक्टर फॉर अवंती फीड्स. उसका इंटरेस्ट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ही नहीं जो वो इंटरेस्ट पे करते हैं. नेट प्रॉफिट अगर आप देखो 116, 155, 196, 400, 233, लास्ट ईयर में डिप हुआ है एंड
when there is a dip suddenly, इसका जरूरी मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी बर्बाद हो गई है, कुछ अनहोनी कुछ हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. देर कैन बी सिचुएशन जहाँ पे कंपनी मर्जर कर रही है, एक्विजिशन कर रही है, कंपनी अपना नया प्लॉट खरीद रही है, अपना बिजनेस एक्सटेंशन कर रही है. देर कैन बी मल्टीपल फैक्टर्स जिसके चलते ये आया है. इन दिस वीडियो वी आर जस्ट कंपेयरिंग दीज टू स्टॉक्स, सो आई एम नॉट गोइंग इन टू दी डिटेल ऑफ ऑल दोज थिंग्स. आगे हम देखते हैं जो डिविडेंड के बारे में. जैसा एपेक्स ने एपेक्स का आपने देखा था 20% डिविडेंड. Avanti Feeds अगर डिविडेंड पे आप देखो, इट्स लाइक मैसिव डिविडेंड इट्स गिव्स. 350%, 450, 600, 400, 500, तो बहुत ज्यादा डिविडेंड एज कम्पेयर टू एपेक्स. इसमें आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा. अगेन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा ट्रिकी है. शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में इट्स नॉट इवन 50% विद द प्रोमोटर्स. अगेन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है. अगर आप देखो इन्फोसिस का शेयर प्रोमोटर होल्डिंग इज 0%. अगर आप देखो आईटीसी प्रोमोटर होल्डिंग इज 0%. इसका मतलब ये नहीं, या फिर अगर आप देख लो आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लाइक टॉप 10 कंपनीज में आती हैं इंडिया के, बट ऑल ऑफ देम प्रोमोटर होल्डिंग इज 0%. इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियां बेकार है. तो बट अगेन प्रोमोटर होल्डिंग जीरो होने का मतलब ये है कि कंपनी के जो खुद के प्रोमोटर्स हैं जिन्होंने कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया है, दे आर नॉट इन्वेस्टेड इन इट, रादर वो ज्यादा बाहर के लोग इन्वेस्टेड है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक डिफरेंस, एक इशू ये नजर आता है कि क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग कम है एंड ज्यादातर होल्डिंग इनका फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है, तो ये थोड़ा सा टर्बुलेंट है स्टॉक. बिकॉज कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है तो ये दोनों लोग होंगे जो सबसे पहले कंपनी का शेयर बेच के निकल जाएंगे. तो दैट वुड बी लाइक ऑलमोस्ट 40%. अब देख सकते हो 44% उनके पास है, लेकिन जो 40% है, 40% ये इनके जो प्रोमोटर्स नहीं है, आउटसाइडर्स है कंपनी के, उनके पास ज्यादा है. तो इट्स सॉर्ट ऑफ कंसर्निंग. इवन दो इट गिव्स ए गुड डिविडेंड, कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, मार्केट कैप ज्यादा है, बट स्टिल इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर मी. आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अगर हम जैसे कि मार्केट कैप के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो क्लियर विनर है यहाँ. एपेक्स इज लाइक जहाँ पे 800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, वेरेज अवंती फीड इज 6000. सो ऑलमोस्ट इसका 8 times उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सिमिलरली अर्निंग पर शेयर इज 19.17, इसका 24.03. करेक्ट, ऑब्वियस सा विनर है क्योंकि आपको नजर आएगा कि इसमें होना ही चाहिए कि इसका मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा है. बट अगर हम अभी कोरोना सिचुएशन के चलते अगर इसका हम प्राइस कंपेयर करें, तो आप देख सकते हो जो 52 वीक प्राइस एपेक्स का था, इट वॉज ऑलमोस्ट 450. जो 52 वीक लो अभी चल रहा है, गया था, दैट इज 132. आप देख सकते हो ऑलमोस्ट कितना नीचे वो आया था. बट अगेन फ्रॉम दैट इट हैज एक्चुअली रिकवर्ड वेरी वेल, 260 लेवल तक वो आ चुका है. तो इट शोज दैट कंपनी जैसे जैसे लॉकडाउन बंद हो रहा है, जैसे जैसे मार्केट ओपन हो रहा है, जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहे हैं, तो कंपनी इज रिकवरिंग फास्ट. सो कंपनी का फंडामेंटल खराब नहीं है, सो इट्स एक्चुअली रिकवरिंग वेरी क्विक. उसी तरह से अगर हम इसका कंपेयर करें, 52 वीक हाई वाज 770, व्हेयरएज लो वाज 468, एंड अभी अगर आप देखो इसका 484. तो सी दैट अवंती फीड ने उतना एग्रेसिव ग्रोथ अभी तक नहीं दिखाया है. हालांकि इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है, इसका रिटर्न बहुत अच्छा आया है, ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, लेकिन अगर आप देखो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि इतनी बड़ी कंपनी है, एपेक्स के कंपैरिजन में 8 times ये बड़ी कंपनी है, बट स्टिल अगर आप देखो तो उसका रिकवरी बहुत स्लो है. अगर हम सिंपल उसका एनालिसिस करें या फिर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करें, तो दोस्तों मैं फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बेंजामिन ग्राहम का फॉर्मूला यूज करता हूँ, जिसमें 3 factors है जो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपके लिए होते हैं. 1 इज अर्निंग पर शेयर, 2 इज ग्रोथ परसेंट, एंड 3 इज बॉन्ड यील्ड. करेक्ट, इन तीनों के बेसिस पे अगर हम कंपेयर करें जो फंडामेंटल के हिसाब से इनका जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू, या फिर आप कह सकते हो तो फेयर वैल्यू दैट इज कमिंग ऑफ फ्रॉम बोथ दीज टू स्टॉक्स, एपेक्स फ्रोजन्स फेयर वैल्यू इज कमिंग समवेयर अराउंड 482 rupees. And it is trading at 261. So you can see that almost 60-65% you have a potential जहाँ पे वो stock grow कर सकता है. Whereas अगर Avanti Feeds देखें, Avanti Feeds intrinsic is coming around 1200, whereas it is trading at 484. So it also shows like 800, like almost 200%. So in terms of the growth prospect, Avanti has a huge margin जहाँ वो अपनी grow करके पहुँच सकती है. But again फंडामेंटली या फिर अगर आप देखो बिजनेस वाइज क्लियर कट अगर इन दोनों में कंपेयर करें, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ इस वीडियो को, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, देन एपेक्स फ्रोजन इज समथिंग दैट यू शुड
कीप इन योर पोर्टफोलियो, क्योंकि वो बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे देगा क्योंकि उसका ग्रोथ बहुत फास्ट है, बट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म उसका मार्केट कैप ज्यादा नहीं है, डिविडेंड उतना ज्यादा नहीं देती है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक शॉर्ट टर्म प्लेयर डेफिनेटली है मेरे लिए। बट अगेन अगर आपको लंबा देखना है, अगर आपको बड़े पैसे बनाने हैं, आपको अगर अच्छा डिविडेंड कमाना है, देन अवंती फीड इज द प्लेयर फॉर मी। तो क्लियर कट दोनों ही बहुत अच्छे स्टॉक्स है। ये फ्रोजन मार्केट से कैटेगरी में ट्रेड होने वाले खाली 5 शेयर है, जिसमें से बाकी 3 शेयर ऑलमोस्ट मार्केट में ज्यादा ट्रेड होते नहीं है। वाटर बेस बहुत बड़ी कंपनी है, उसका शेयर वैल्यू बहुत ज्यादा है, 3,000-4,000 पे किसी टाइम पे ट्रेड करता था, अभी शायद 2,000-3,000 पे आ गया हो, बट क्योंकि शेयर का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो उसमें ज्यादा ट्रेडिंग होता नहीं है। तो अवंती फीड्स एंड एपेक्स यही दोनों कंपनी है जिसमें जबरदस्त ट्रेडिंग होती है, जबरदस्त लोग इसमें बाई करते हैं, शेयर अपना पोजिशन बनाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दोनों शेयर्स का अगर आप कंपेयर करो, दोनों का किसी का भी कोई प्लेज शेयर्स नहीं है, तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का कोई भी शेयर्स प्लेज नहीं है। जो उनका बिजनेस है वो उनका ऑपरेटिंग पैसा जो भी उनके पास है उन्हीं का है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उधार लेके वो काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियली द कंपनी इज स्टेबल एंड मुझे ये लगता है as I have told, if you are looking for a short term goal, then Apex Frozen is your candidate. If you are looking for a long term goal, then Avanti Feet is your candidate. So simple clarification between these two companies. So friends, I hope you have liked this video, and if you have liked this video, please don't forget to subscribe to my channel and keep supporting as you have always done. So friends, I'll be back with something useful, and I'll catch you as soon as possible. Thank you so much and have a great day. Bye bye.